सब्सक्राइब कीजिए ममताज किचन हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम गुजराती फाफड़ा बनाएंगे, जिसको हम चाय के संग, नाश्ते के और तथा लंच और उसमें डिनर में भी खा सकते हैं। ये कुरकुरे और खस्ता होते हैं, इसे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसको हम बनाने के लिए एक कटोरी बेसन लेंगे, जो हमने पहले छाना हुआ है। अब इसमें चुटकी भर हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची, एक चम्मच अजवाइन, धनिया आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला आधा चम्मच। अब इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल केवल दो ही चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। अब इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे कि तेल अच्छी तरह से बेसन में मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से इसको हम मिलाते जाएंगे और हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसी प्रकार आपको मिलाना है और देखना है इसमें गुठलियाँ ना पड़े, बिल्कुल एक सा ही रहना चाहिए। अब ये देखो इसमें मुट्ठी बनने लगी है, ये हमारा तेल इसमें अच्छी तरह मिल चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मलेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है इसमें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। जब तक अच्छी तरह मिल नहीं जाएगा तब तक हम थोड़ा पानी दोबारा से तभी डालेंगे जब अच्छी तरह बेसन मिल गया है। अब इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और उसको उसी प्रकार जैसे पहले मिक्स करा था उसी प्रकार मिक्स करेंगे। ये देखिए ये मिक्स हो रहा है। इसी प्रकार आपको थोड़ा ही पानी डालना है, नहीं तो बेसन ज़्यादा गीला हो जाएगा। अब ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब ये देखो हम इसको 10 मिनट के लिए इकट्ठा करके रखेंगे। इसको अच्छी तरह से हाथ से कर लेंगे, जिससे कि इसका ऑयल एकदम चिकना हो जाएगा और ऑयल से दिखने लगेगा। अब ये हमारा बेसन मल चुका है। अब इसको 10 मिनट के रेस्ट करने के लिए ढककर रख देंगे। अब ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम लोइयां बनाएंगे, इसको चकले पर हम लंबा करेंगे। इसी प्रकार आप भी लंबा कर लेना। अब छोटी छोटी इसकी हम लोइयां तोड़ लेंगे, एक बराबर ही लोइयां तोड़नी है। अब हम पेड़े इसके बना लेंगे, गोल गोल पेड़े सारी लोइयों के बना लेंगे। इसके बाद इसको हम पेड़े को लंबा करेंगे हाथ से और थोड़ा सा इसको हम दबाएंगे। अब हम गैस जलाएंगे और इसमें तेल डालकर कढ़ाई को गर्म होने रख देंगे। अब तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब इसको हम पॉलीथीन के अंदर बेलेंगे, क्योंकि हर कोई हाथ से बना नहीं पाता है, इसलिए मैंने आसान तरीका बताया है कि आप पॉलीथीन में बनाइए। इसका टेस्ट जैसा हाथ जैसे लगते हैं वैसे ही लगेंगे। अब हमारा फाफड़ा बिल चुका है, इसको हम पॉलीथीन से निकाल लेंगे।
और कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, इसमें हमने इसको डाल दिया है और इसको धीमी आंच पर सिकने देंगे। अब दूसरा फाफड़ा भी इसमें हमने डाल दिया है, उसको भी हम धीमी आंच पर तलने देंगे। अब ये हमारा फाफड़ा पलट दिया है और दूसरा भी फाफड़ा हमारा पलट दिया है, क्योंकि वो एक तरफ से सिक चुका है। अब दोनों फाफड़े को हम इसी प्रकार सिकने देंगे धीरे धीरे चलाते हुए। ये फाफड़ा हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको हमने तेल में से निकाल लिया है और दूसरे को भी हमने तेल में से निकाल लिया है। अब ये पूरे फाफड़े हमने इसी प्रकार तल के तैयार करे हुए हैं। अब देखिए कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बना हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई रेसिपी के लिए आप